सीधी के पेशाब कांड के बाद से लगातार आदिवासियों और दलितों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही। इस घटनाओं को लेकर आज पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आदिवासी विधायकों के साथ मिलकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के 22 आदिवासी विधायकों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान तमाम विधायक और मंत्री उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के नागरिक निवास करते हैं। मध्य प्रदेश समाज के सांस्कृतिक संस्कार और परंपराओं आदिवासी समुदायों का उल्लेख योगदान है। आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश सामाजिक जीवन का भिन्न और अति महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में आदिवासी समुदाय के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा कांग्रेस सरकार आदिवासी पीड़ित के 30,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि इससे बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जो कि प्रकाश में नहीं आ सके। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रदेश के सीधी जिले के एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने की घटना सामने आई थी। घटना का मुख्य आरोपी भाजपा नेता था और भाजपा विधायक का प्रतिनिधि था। उक्त घटना में पूरे देश में मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ। इसके पूर्व नीमच में आदिवासी युवक को गाड़ी से बांधकर घसीटकर हत्या करने का मामला पूरी दुनिया ने देखा। नेमार में आदिवासी युवक और उसके परिवार में 5 लोगों को जिंदा गाड़ देने की भी घोषणा कृत एक खबर बाहर आई थी। सीधे जिले से घटित हुई यह घटना कुछ घंटों में ही इंदौर के माहू से 2 आदिवासी युवकों को बुरी तरह पीटे जाने का भी वीडियो सामने आया था, जहां केवल उन घटनाओं का जिक्र किया गया जो अत्यंत मानवीय थी और जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा। ये घटनाएं न सिर्फ मानवता को शर्मसार करती हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जिनसे लगता है कि मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले लोगों का प्रदेश बन गया है। आदिवासी समुदाय की पीड़ा, वंचना और संघर्ष को आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति अच्छी तरह समझ सकता है, लेकिन हमारा दुख तब और बढ़ जाता है जब आदिवासियों पर अत्याचार सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा या उनके संरक्षण के लिए किए जाते हैं। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का आदिवासी विरोध रवैया इस बात से भी समझ सकते हैं कि आदिवासी कल्याण का बजट राजनीतिक रूप से सरकारी रैलियों पर खर्च कर दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लोग अपने लोग बनाए जाने वाले अघाज को थानों में शिकायत नहीं करते, लेकिन उन थानों का बजट भी शासन ने स्वीकृति नहीं किया। अगर अपराध सामने आता है तो सत्ताधारी लोग उसे दबाने में क्यों लग जाते हैं।